हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है अभी। और इस समय का व्यू देख सकते हैं, इस तरह का है दोस्तों। बादल आज लगा हुआ है, धुंध नहीं है, तो आज का मौसम ठंडा है। पूरा दिन भी ऐसा ही लग रहा है, मेघावनी जैसे है मौसम आज का। तो आज का देख सकते हैं इस तरह का व्यू है अभी। और दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, कल बिक्री हुआ था ना, तो कल माल खत्म है अभी। लाइट कटा हुआ है, लाइट जलाना पड़ेगा, जला लिया दोस्तों। तो इसमें जो है ना, बहुत सारे आइटम खत्म हो गया। चलते हैं, जो जो आइटम खत्म है सब सैया लेते हैं। इस बोरा में ट्राउजर सब है, ट्राउजर सब बिका है, और गमछा भी सब सरियाना है। तो चलते हैं, सबको सरिया के फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी टाइम 9 बज गया है, 9:09 हो रहा है। और दोस्तों, सारे सरिया लिया, देख सकते हैं, पूरा गमछा उमछा हो गया, इधर झोरा में का भी हो गया, और कैरेट भी पूरा अच्छे से तैयार कर लिया। और अभी चलते हैं, स्नान स्नान करते हैं दोस्तों। अभी भी उसी तरह का मौसम है, देख सकते हैं, बादल ही लगा हुआ है। तो दोस्तों, अभी मैं स्नान कर लिया और पूजा भी कर लिया, उसी रूम में सब कुछ है, फोटा वोटो सब लगाए हुए हैं। और दोस्तों, अभी शर्ट पहन लेते हैं, खाना खाना भी बाकी है, अभी थोड़ा सा देरी है, सब्जी में थोड़ा देरी है। तो शर्ट पहन लेते हैं, चलते हैं, माल लोड कर लेते हैं, और उसके बाद में माल लोड किया रहेगा, उसके बाद खाना खाएंगे, बन जाएगा तो उसके बाद चल देंगे। और दोस्तों, टाइम अभी 9:45 हो गया है, 10:15 10:30 बजे से निकलेंगे। फिलहाल जमा हुआ पहन कर रेडी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, माल को लोड कर लेते हैं, जमा हुआ पहन लिए। दोस्तों, अभी माल लोड कर लिया गाड़ी पे, और अभी चलते हैं खाना खाने। और खाना भी देखिए, इधर कृष्णा सब खेल रहा है, इधर खाते हैं खाना। करी जो कही है खा ले वाला कहे। तो दोस्तों, खा लेते हैं, और माल लोड हो गया है, गमछा भी लोड करना है, तो खा के लोड करके निकल जाएंगे। 10:15 अभी हो गया है। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 10:30, 10:30 बजे से निकला हूँ, 11:15 हो गया है। और दोस्तों, बोहनी भी हो गया है, अभी चलते हैं। धूप थोड़ा थोड़ा अभी अभी निकल चुका है, अभी तो चलते हैं दोस्तों, अभी घूमते हैं। बोहनी तो हो गया है अपना गांव में ही, और 2-3 गांव घूम करके और फिर मिलते हैं, देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है, मिलते हैं बाद में। तो अभी टाइम हो गया है लगभग कितना है, 12:52, यानी कि 1 बजने वाला है, और 2 गांव में ही 1 बज गया, लगभग 2.5 घंटा समय लग गया 2 ही गांव में, और 700 तक सेलिंग हो गया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल घूमते हैं, इस समय तक 700 का हुआ है 1 बजे तक, और अब चलते हैं घूमते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, फिर मिलते हैं बाद में। दोस्तों, अभी टाइम हो गया है लगभग 2:05 बाकी है, 2 बजने ही वाला है। और दोस्तों, अभी तक सेलिंग की बात करें तो दोस्तों, पिछला गांव में घूमा हूँ, तो इस गांव में 130 रुपये का खाले, 10 साल का लेगे और कुर्ती दोनों मिला के 130 रुपये में बिका है बस। उसके बाद में अभी चल रहे हैं, घूमते हैं दोस्तों, अभी क्या होता है अभी समय से। अभी किसी गांव में थोड़ा ज़्यादा बिक्री होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, तो बिक्री तो होता ही रहता है कम बेस, अपना काम ऐसे करते हैं फोकस के साथ। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं अगले गांव घूम करके। अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, 4:15 हो रहा है, 4:15 हो रहा है। और दोस्तों, वहाँ से चलने के बाद जो है ना, छोटा छोटा 3 गो गांव घूमा हूँ। 3 गो गांव में पहला टोला था 10 घर का, उसी में 8-8.5 का सीलिंग हुआ है। उसके बाद में घूम रहे हैं, बिका नहीं है, एक पीस बिका था तो वापस कर दिया फिर बाद में, तो अभी पिछला वाला गाँव में। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल अभी घूमते हैं, घूमेंगे अब नहीं, अब चलते हैं नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीधे घर की तरफ चलेंगे। फिलहाल चलते हैं होटल में नाश्ता करते हैं। दोस्तों, अभी टाइम अभी 4:45 हो गया है, और 4:50 हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, अभी नाश्ता करके मैं अभी निकल चुका हूँ, सीधे घर की तरफ तो चलते हैं। और दोस्तों, सेलिंग की बात करें तो दोस्तों, वही आज जो है ना, 1800 के आसपास आज सेलिंग हुआ है। फिलहाल चलते हैं अभी घर की तरफ, और थोड़ा सा बाजार का काम है,
बाजार में जो सामान लेना है, बोले कि थोड़ा सब्जी का सामान लेना है, सामान लेकर के फिर चलेंगे। फिलहाल चलते हैं तो बाजार में, और रास्ते में जो है एक आदमी के यहाँ उधारी बाकी है, चलते हैं उधारी की सभी मांग लेते हैं पता है कि नहीं। उसके बाद फिलहाल बाजार में चलते फिर मिलते हैं। मोटर कैसे भैया? बांधा गोभी कैसे? 10 रुपए किलो। अब बीन कैसे हो? सेम कैसे हो भैया? हो सेम 20 रुपए। दोस्तों मुझे सब्जी नहीं लेना है तो बोरी लेना है, तो बोरी ले लेते हैं। तो अभी अंधेरा हो रहा है, बाजार में खाली थोड़ा सा बोरी लेना था, वही लिए सब्जी का खाली मोल भाव किए हैं, लिए नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर, अभी देख सकते हैं अंधेरा अभी हो ही रहा है अभी। और दोस्तों उधारी नहीं मिला है, उधारी मांगने गया हूँ ना तो उधारी नहीं मिला है। वहाँ पे 2 नाइटी बिका है और एक गमछा बिका है, तो 350 का सेलिंग हुआ है, उधर 1850 का हुआ था, तो टोटल आज 2200 का सेलिंग हो गया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पे, और घर पे चल के फिर मिलते हैं। फैली दोस्तों अभी आ गया हूँ घर, और घर आते आते अंधेरा हो गया था, आ करके उतार करके अभी आ गया हूँ इस रूम में। और दोस्तों आज के सेल से मुझे यह एहसास हो गया कि दोस्तों मुझे जो है ना सही से अभी कपड़ा सेल करने नहीं आता है, सही से कस्टमर से बात करने नहीं आता है। इस वजह से जो है ना सही से सही इनकम भी नहीं हो पाता है, सेल हो जाता है लेकिन इनकम नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना का मैं सेल करता हूँ उतना में कमाने वाला बहुत कमा लेता है लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता, बहुत कम कमा पाते हैं। यह सब होता है कस्टमर से बात ना करने आना, इसकी वजह से मोल आप लोग तो जानते ही हैं, गांव में मोल भाव बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक रेट में कपड़ा सेल करना चाहता हूँ और इसकी वजह से जो है ना ज़्यादा मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ, 5-10 रुपया बस। इसकी वजह से मुझे कम मुनाफा होता है, सेल ज़्यादा हो जाता है मुनाफा कम होता है। तो अब से जो है ना अब एक रेट पर कोशिश करेंगे कि ये एक रेट पर माल ना बेचें, कस्टमर को जितना में बेचना है उतना ही नहीं बताया, क्योंकि जितना में बेचना है उतना ही मैं बताता था या उससे 10-5 रुपये बढ़ा के। कारण ये होता है कि जब आप 100 रुपये में आपको बेचना है सामान तो 150 बोलेंगे तो 100 रुपये में बिकेगा, अगर 100 रुपये में बेचना है 120-110 बोलेंगे तो 80 रुपया 70 रुपया 90 रुपये पर आ जाता है, इसकी वजह से कम मुनाफा होता है। तो अब से ऐसा ही करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, क्योंकि अगर 100 रुपये का जो माल बेचना है उसको 170-180-150-140 ऐसे बोलेंगे तब 100 रुपये में बिकेगा। ज़्यादा मैं नहीं बोल पाता हूँ एक रेट पर बेचने के कारण, तो चलिए ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ठोकर लगता है ना तब ग्यार मिलता है। तो आज दोस्तों सेलिंग हो गया है 2200 प्लस का सेलिंग, लेकिन घर आते आते तक, लेकिन इनकम की बात करें तो 2200 में कमाने वाला कमा लेगा 600-700 भी, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपया हुआ होगा, अंदाज से बोलते हैं 450 के आसपास, क्योंकि बता ही दिए हैं 100 रुपया में जो सामान मिलता है मैं उसको बेचना होता है, मैं 120 रुपये बोलता हूँ, वो सब सीधे डायरेक्ट 80 रुपया 90 रुपया ऐसे लगाता था, इसकी वजह से कम मुनाफा हुआ। तो चलिए आज का दिनचर्या यही है दोस्तों। तो अभी शाम के हो गया है 6:15, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, कोई राय सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, गुड लक।